अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गए थे सुबह की मॉर्निंग वॉक से। आपने देखा कि हम गए थे आज हैदराबाद जी और अंजुम बाजी के साथ में, हाजी अली एंड माहिन। वहाँ से आने के बाद ब्रेकफास्ट करके मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और अब मैं उठी हूँ। अब रेडी होते हैं, अब बच्चों को लेके कहीं कहीं जाना है क्योंकि बच्चों की कुछ कुछ शॉपिंग और कुछ कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के साथ चली जाती हूँ और बच्चों की चीज़ों को आज पूरा करवा देती हूँ। साथ ही साथ मैं दिखाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं होटल रूम में रहती हूँ, रूम को साफ़ सुथरा करके रखना अच्छा लगता है। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं, ये भी इनका बेड है, यहाँ से उठ के गए हैं, और मेरे रूम में बहुत ज़्यादा मैस नहीं होता। ये भी मैंने सूटकेस निकाला है क्योंकि इनके कपड़े निकालने हैं नहाने के लिए, तो ये खोलकर इस तरीके से रखा हुआ है। पूरा सेट है सूटकेस भी, कहीं से भी कचरा नहीं फैला हुआ है। बाकी रूम आप देख सकते हैं, इनके कपड़े निकाल के यहाँ रखे हैं, और कुछ चीज़ें खरीद के लाए थे वो भी मैंने अभी इसके अंदर डाल दी हैं। और इस तरीके से मेरा रूम बिल्कुल क्लीन रहता है, कुछ भी कचरा एक्स्ट्रा सामान आपको नहीं दिखेगा। वो मेरी जानमाज़ है, वो लास्ट डे मैं पैक करूँगी, बट मैं ऑलरेडी सामान साथ साथ गंदे कपड़े हो या जो भी हो सब चीज़ें पैक करती जाती हूँ, ये मेरी आदत है। जो हम आज दरगाह गए थे वहाँ पर मैं थोड़ी देर खड़ी थी बाहर पे ही, बाजी लोग अंदर गए थे, तो बाहर पे मैंने देखा होते हैं जो भीख मांगते हैं वो शायद 5 रुपए के लिए इतना लड़ाई कर रहे थे। किसी एक बंदे ने किसी एक पर्टिकुलर भिखारी के हाथ में शायद कोई बड़ा नोट दे दिया और उसने कहा कि आप लोग बांट लेना। उसके ऊपर इतनी देर लड़ाई हुई, गाली गलौज के साथ लड़ाई हो रही थी। तो मैं देख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे, मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं शूट करूं, बट मुझे वहाँ खड़े खड़े डर भी लग रहा था कि ये कहीं मुझसे लड़ने ना आ जाए, क्योंकि मैं वहाँ अकेली खड़ी थी, बाजी लोग अंदर गए हुए थे, तो मैं चुप्पे खड़ी हुई थी। मैंने शूट वूट नहीं किया, मैंने फ़ोन भी नहीं निकाला, मैं चुपचाप खड़ी हुई थी। बट इतना लड़ रहे थे, मुझे देख देख के हंसी आ रही थी। और जो वहाँ पे लोकल शॉपकीपर्स है जो है वहाँ पे, तो वो लोग उनको चुप कराने के लिए ऐसे बॉटल का पानी लेके उनके ऊपर पानी फेंक रहे थे कि अपना मुँह बंद करो, बिल्कुल चुप हो जाओ। बट वो एक सेकेंड भी चुप नहीं हुए। वो लड़ाई झगड़ा कम से कम 15-20 मिनट चला, और मुझे एंटरटेनमेंट भी हो रहा था और डर भी लग रहा था साथ साथ, कहीं ये लड़ते लड़ते मेरे पास ना आ जाए किसी बात के लिए। बट वो अपने में ही लड़ते रहे, अपने में सॉर्ट आउट करते रहे। लड़ाई भी इसलिए हो रही थी कि कुछ सीनियर बैगर्स होते हैं जो वहाँ पहले से रहते हैं, और कुछ होते हैं जो मूव करके आ जाते हैं वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डेज पे। तो जैसे आज थर्सडे है तो आ गए थे वहाँ पे, तो लड़ाई शायद इसीलिए हो रही थी कि हम पुराने हैं, हमको उसमें से हिस्सा चाहिए, तुम अभी आए हो हम तुमको नहीं देंगे। और नए वाले बोल रहे थे हम इसीलिए तो आए हैं, हमको चाहिए। तो उसी बात की लड़ाई हो, दिल में दुख 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 भी हो रही थी, और मेरे को मजा भी बहुत आता है कि लोग लड़ रहे थे। कहाँ जा रहे हैं जायरा? हिल रोड। अच्छे लोग हिल रोड जा रहे हैं और हम लोग खार जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ आए हैं अल्तमश के लिए शूज लेने, और देखिए सामने ये कैट सो रहा है। तो जहाँ भी जाते हैं हमको कैट ज़रूर मिल जाती है, तो यहाँ भी मिल गई थी हमको एज़ यूजुअल कैट। और ये शॉप पिछले 2 महीने से अल्तमश ने ढूंढ के रखी थी क्योंकि उसको कोई पर्टिकुलर ब्रांड का शूज़ चाहिए था जो कि यहीं मिलेगा, तो हम उसको लेकर आए थे यहाँ पे उसके शूज़ की शॉपिंग कराने के लिए। जूते सेलेक्ट, खुश हो अल्तमश? मिल गया शूज़। फिर आ गए थे हम बांद्रा हिल रोड जहाँ बच्चियाँ अपनी शॉपिंग पहले से कर रही थी। दूसरा कलर ब्लैक में ले लो, ब्लैक वाला ले लो जिसमें ब्लैक है। हाँ ये वाला लो, बहुत सुंदर है, जिसको पहनी है उसको पैक करवा ले। तो बच्चियाँ यहाँ ऑलरेडी 1-1.5 घंटे से शॉपिंग कर रही थी और उनकी कंटिन्यू शॉपिंग चल रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था उनको शॉपिंग करते और मुझे उनको शॉपिंग करते देखते। फालतू भी बहुत परेशान हो गया है हमारे साथ, सब हो गया, सब ले लिया। ज़ारा ने कितनी शॉपिंग करी, क्या क्या लिया? कपड़े, शूज अभी पहने और बैग। हाँ बेटा, तो आज हम आए थे यहाँ लिंक रोड बांद्रा में और बच्चों ने शॉपिंग की बहुत सारी। हाँ ले ले। वो
हम आए थे 1 बजे और 4 बज गया है। 4 घंटे से हम कंटिन्यू यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत सारे बैग जमा हो गए। ये ज़ायरा की शॉपिंग देखा तुम लोगों ने, ये रिदा की शॉपिंग, उलज़ैना की शॉपिंग, आलिया की शॉपिंग, सब ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। और अदीपा की अभी चल ही रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। अदीपा जल्दी कर। तो हर जगह की तरह यहाँ भी हमको मिल गई थी एक फ्रेंडली कैट जो यहाँ बैठ के बड़े प्यार से हृदय से प्यार करवा रही थी। तो ज़ायरा को भी कैट्स बहुत पसंद है और बॉम्बे की कैट्स सच में बहुत फ्रेंडली है, जो भी मिली बहुत फ्रेंडली मिली। ये है पूरी मेरी पलटन। अल्तमश को भी शूज़ लेना था, वो भी आज हमारे साथ यहाँ फंस गया है। लड़कियों की शॉपिंग डे था, लड़कियों ने शॉपिंग की, तो अब यहाँ आए हैं हम लोग जूस पीने और ये लोग खा रहे हैं गुपचुप। तो बच्चों ने ये जो शॉपिंग की है सारी अपने पॉकेट मनी से की है, जो वो कुछ लेकर आए थे और कुछ उनको यहाँ आने के बाद भी मिली थी। तो आज इन्होंने सारे अपना पॉकेट मनी ही खर्चा किया है यहाँ पे। सब पैलेडियम मॉल में भी? हाँ, सब पैलेडियम मॉल में। वही अजरा बाजी का फोन आया था कि तुम लोग आओ सबवे में। फीलिंग हो, देखो आदि बस सामने हम लोग यहां से गुजरे थे, पर नहीं सामने आ से मेरे अंबानी का घर दिख रहा है, उधर दिख रहा है। कौन सा वाला है बता दो, के पीछे हो गया। इसमें इन्हीं बिल्डिंग में है वो तो टेढ़ा मेढ़ा घर है, टेढ़ा मेढ़ा सबसे घर जो दिख रहा है का, सबसे टेढ़ा मेढ़ा घर मिले सब। कांग्रेचुलेशन, किसको कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं? टीम इंडिया। ओ वाओ, कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया। मैं तो मुंबई कई बार आ चुकी हूँ, घूम चुकी हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों को दिखाने में, घुमाने में। उन लोगों के लिए बहुत नया सा एक्सपीरियंस था सीलिंग पे ट्रैवल करना। यहाँ से अंबानी का घर कितनी दूर है, कहाँ है, कौन सा सेलिब्रिटी कहाँ रहता है, बच्चों में बहुत क्यूरियस था। और उन सब क्यूरियस के साथ मैं भी सर्च कर रही थी कहाँ कौन रहता है, और जो लोकल ड्राइवर्स थे उनसे हम पूछते थे तो वो हमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते थे। तो मुझे बच्चों के साथ बॉम्बे एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आया। आज का दिन मैं फुल पैक बिजी थी और मुझे ये दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत इन्जॉय किया आज का दिन हमने। इधर है, तुम लोग को नहीं दिखेगी। उधर दिखेगी, उधर इधर है, उधर से ये है मुंबई। जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये है ईशा अंबानी की, मुकेश अंबानी की बेटी का घर। तो बच्चों की शॉपिंग डन हो गई थी तो सारे बड़े यहाँ जमा थे पैलेडियम मॉल में, तो उन्होंने कहा आप बस सारे बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ। तो क्योंकि ये मॉल भी बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अलग तरीके से बना हुआ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये मॉल, तो बच्चों ने ये भी देखना ज़रूरी था। तो लोकल शॉपिंग हो गई थी, अब बारी आ गई थी मॉल की। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो रायपुर में नहीं हैं, तो वो यहाँ पर हैं। सब ने यहाँ पर बहुत अच्छे से इस मॉल को एक्सप्लोर किया। तो हो गई थी मॉल की शॉपिंग डन और उसके बाद बच्चों को दिखाना था गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि रात में बहुत खूबसूरत लगता है और वहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, होटल ताज। तो ये बम्बई के कुछ आइकॉनिक जगह हैं जहाँ बच्चों को लेकर जाना ज़रूरी था। बट जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और हमको पता चला, हमारी टैक्सी वहाँ पहले पहुँची और पता चला कि पूरा पुलिस ने उसको घेर कर बंद करके रखा है, आपको गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ नहीं जाने मिलेगा, क्योंकि होटल ताज में कोई बहुत VIP आए हुए थे तो वो बंद था कल शाम तक के लिए। आज भाई ये बंद हुआ है।
इतना वीआईपी कौन आया है भाई? कोई बहुत भी और सिक्योरिटी रीजंस तो हम यहाँ पर आए थे परसों सुबह, उसका व्लॉग मैं डालूंगी। अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो मेरा चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। ये वाला वीडियो आपने यहाँ तक देखा है और आपको अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे व्लॉग्स बना सकूं। और हम यहाँ पर आ ही गए थे तो हमने सोचा ताज का बैक साइड ही घूम लें। थोड़ी देर हमने यहाँ पर टाइम पास किया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और उसके बाद हम मूव हो गए। बिल्कुल पास में ही मोहम्मद अली रोड है तो वो भी एक बहुत अच्छा प्लेस है, बट बच्चे थक गए थे तो उनको हमने रवाना कर दिया और मैं, अंजुम बाजी और अज़रा बाजी ही गए। तो आ गए हम मोहम्मद अली रोड और यहाँ हमको ज्वाइन करने वाले थे शाहिद भाई और तब्बू भाई डिनर के लिए। और यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है, आप जब भी मैं यहाँ आई हूँ मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि सारा मुंबई का पब्लिक यहीं वॉक कर। तो ये भी प्रॉपर मार्केट है, यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़ों की, फलों की, कानों की शॉप्स हैं मोहम्मद अली रोड में। तब्बू भाई और शाहिद भाई को टाइम लग रहा था, वो लोग शायद कहीं शॉपिंग कर रहे थे तो हम बहुत भूखे हो गए थे तो हमने यहाँ खाया बहुत यमी सा खिचड़ा और लिए ये सीख कबाब जो कि बहुत यम थे। और उसके बाद हम भी निकल गए अपने होटल के लिए वापस। रात में मुंबई की लाइटिंग बहुत खूबसूरत लगती है। ये है CST स्टेशन। तो इन ऊंची-ऊंची इमारतों से जब लाइट रात में दिखती है, जैसे लोग अपने घरों में भी लाइट जलाते हैं फ्लैट्स के अंदर, देखिए जिस तरीके से लाइट्स दिख रही है, ये भी बिल्डिंग को बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बनाती है। एक और बिजी डे यहाँ पर ख़त्म हुआ। आज का दिन मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपने भी मेरे साथ इस वीडियो को इन्जॉय किया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत अच्छे वीडियो में। बाय बाय।